कजरी तीज की पौराणिक व्रत कथा के अनुसार एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। भाद्रपद महीने की कजरी तीज आई। ब्राह्मणी ने तीज माता का व्रत रखा। ब्राह्मण से कहा, आज मेरा तीज माता का व्रत है, कहीं से चने का सातू लेकर आओ। ब्राह्मण बोला, सातू कहाँ से लाऊं? तो ब्राह्मणी ने कहा कि चाहे चोरी करो चाहे डाका डालो, लेकिन मेरे लिए सातू लेकर आओ। रात का समय था। ब्राह्मण घर से निकला और साहूकार की दुकान में घुस गया। उसने वहां पर चने की दाल, घी, शक्कर लेकर 1.25 किलो सुतोल कर सातू बना लिया और जाने लगा। आवाज सुनकर दुकान के नौकर जाग गए और चोर चोर चिल्लाने लगे। साहूकार आया और ब्राह्मण को पकड़ लिया। ब्राह्मण बोला, मैं चोर नहीं हूँ, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मेरी पत्नी का आज तीज माता का व्रत है, इसलिए मैं सिर्फ यह 1.25 किलो सातू लेकर ले जा रहा था। साहूकार ने उसकी तलाशी ली, उसके पास सातू के अलावा कुछ नहीं मिला। चांद निकल आया था। ब्राह्मणी इंतजार ही कर रही थी। साहूकार ने कहा कि आज से तुम्हारी पत्नी को मैं अपनी धर्म बहन मानूंगा। उसने ब्राह्मण को सातू, गहने, रुपए, मेहंदी, लच्छा और बहुत सारा धन देकर ठाट से विदा किया। सबने मिलकर कजरी माता की पूजा की। जिस प्रकार ब्राह्मण के दिन फिरे वैसे सबके दिन फिरे। कजरी माता की कृपा सब पर हो। तो दोस्तों और मित्रों, आशा करता हूँ कथा आपको पसंद जरूर आई होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।